Dear students, in this module, we are going to discuss democratic socialism. Democratic socialism is a political and economic theory that seeks to achieve socialist goals through democratic means. And democratic socialists argue that the means of production should be owned and controlled by the people, and that a strong social safety net and public services are essential. For promoting equality and social justice, it's a very interesting theory कि जिसमें जो democratic सोशलिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि लोग मिल के जो हैं वो जितने भी resources होंगे किसी भी country के या किसी भी society के वो उनके एक collective property होने चाहिए और लोग जो हैं उनके पास ये इख्तियार होना चाहिए वो decide कर सकें कि इन resources की distribution जो है वो किस तरह से होगी

हम सारे लोगों को उसमें इंगेज नहीं कर सकते हाँ ये होता है कि लोगों के रिप्रजेंटेटिव जो होते हैं जो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर होता है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पावरफुल पोजीशंस के ऊपर बैठ के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंगेज होते हैं और उनके थ्रू जो डिसीजंस होते हैं या पॉलिसीज होती हैं उसमें जो आम पब्लिक या मैसेज होती है उनकी रिफ्लेक्शन हो रही होती है लेकिन क्या ये रिफ्लेक्शन जो है जस्टिफाइड होगी और ये रिफ्लेक्शन लोगों को काबिल क़बूल होगी क्योंकि हम ये देखते हैं कि आज भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर लोग जो हैं वो अपने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं बहुत कलील अरसे में ही जो है वो डिसटिस्फ़ैक्शन नुमायाँ होना शुरू हो जाती है और लोग एहत के लिए जो है सड़कों पे आ जाते हैं और उनकी जो विल या उनकी जो विश है उसके मुताबिक वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की बात होती है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की बात होती है तो इस वजह से हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बाय यूज़ ऑफ पब्लिक बिहेवियर जो है वो मुमकिन है या नहीं है सो so, पाकिस्तान में भी जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आइडियाज हैव इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड लेबर यूनियंस ऑल दो द कंट्री हैज़ नॉट एक्सपीरियंस द सिग्निफिकेंट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन

एक्सटर्नल या थर्ड पर्सन जो है वो डिसाइड करेगा नीड को हम ऑब्जेक्टिवली डिफ़ाइन कर सकते हैं या ये सब्जेक्टिव ओपिनियन के ऊपर बेस करेगी सो अगेन इट्स अ क्रिटिसिज्म फ्रॉम सोशल फ्रॉम कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के क्या डेमोक्रेटिक uh, सोशलिज्म जो है वो फिजिबल है पॉसिबल है आज की दुनिया के अंदर इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू कि आप देखें दुनिया में जो जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं इस वक्त चल रहे हैं आप उनको एनालाइज करके ये देखें कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो विच इज़ मोर क्लोज़र टू द डेमोक्रेटिक सोशलिज़म